इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने 9th एंड 10th क्लास की इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर की विद क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस। हमने उन्हें पूरी तरह प्रैक्टिकली रियलाइज किया। हमने 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ी, 10th में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों के फ़ायदों को, शिक्षाओं को साथ मिला के शुरू होती है 11th क्लास की किताब NCERT की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो किताबों में से हमें एक करनी है, दूसरी तो स्टैटिस्टिक्स और डाटा से जुड़ी है। उस किताब का जो पहला अल्टीमेट यूनिट, फर्स्ट यूनिट इज़, वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस। उसके दो चैप्टर हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान आज़ादी के समय तक भारत की कैसी अर्थव्यवस्था थी जो भारत को, आज़ाद भारत को विरासत में मिली। उसी के आधार पर आप इस बात का असेसमेंट कर पाएंगे कि आज़ाद भारत ने अगले 75 वर्षों तक किस तरह का विकास हासिल किया, किस स्तर का विकास हासिल किया, कैसी नीतियाँ अपनाई। तो उसमें से स्टार्टिंग 40 ईयर्स का एनालिसिस 1950 टू 1990 तक का इसी यूनिट का पार्ट है, वो चैप्टर नंबर 2 है, हम करेंगे। इस चैप्टर का लेक्चर डिलीवर करते हुए हमने जो पहला लेक्चर डिलीवर किया है प्रीवियस, उस लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि किस मैनर में ज़रूरी है ब्रिटिश पीरियड की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का असेसमेंट, ये जानने के लिए कि हमने किन किन चीज़ों को कंसिडर किया है आज़ाद भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। उसके तहत हमने एग्रीकल्चर के तौर पे क्या ब्रिटिश पॉलिसीज़ रहीं, रेवेन्यू सेटलमेंट के नाम पर हमने आपको बता दी हैं। आज हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टेगनेंट बनाया, कैसे उन्होंने हमारे कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक कॉलोनाइज्ड इकोनॉमी में बदला और अपनी मदर कंट्री ब्रिटेन को सर्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की स्टेज अकॉर्ड की। उन्होंने इसके लिए हमारा आर्थिक ढांचा बदल दिया, हमारे फॉरेन ट्रेड की जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज किया, उसका नेचर बदला। ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, दैट चैप्टर इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। And the sector is industry. देखिए, इंडस्ट्री के बारे में, भारत के विषय में समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमने पिछले लेक्चर के वाया भी देखा था कि एक फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर भारत आए थे और उन फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर ने जो उस समय के बंगाल का दृश्य दिखाया, बताया, उससे वो ये स्थापित करना चाहते थे कि ये इजिप्ट से भी कहीं गुना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर रहा है ये क्षेत्र, यहाँ के लोग संपन्न हैं, खेती बाड़ी विकसित है। हम उसी बंगाल को ज़रा समझें अगर हमें इंडस्ट्री के बारे में समझना है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इम्पैक्ट किया। देखिए, आज का जो ढाका है एक समय का दक्का कहलाता था। इसी दक्का के आसपास के इलाके और ख़ास दक्का में एक ख़ास तरह का टेक्सटाइल बना करता था, कॉटन का। दैट स्पेशलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वाज मुसलिन, उसे मुसलिन कहा जाता था। इसी मुसलिन का एक पर्टिकुलर जो वैरायटी है, जो कि बहुत ही रिच फॉर्म ऑफ वैरायटी थी इसी मुसलिन की, उसे मलमल कहा जाता है। इसका रुतबा इतना ऊंचा था कि ऐसा माना जाता था कि इसे शाही परिवार के लोग इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसे मलमल शाही भी कहते थे। ये मलमल शाही भी कहलाता था। तो मलमल मुस्लिन की एक बहुत ही फाइनेस्ट वैरायटी हुआ करती थी, एक फॉर्म ऑफ मुस्लिन। मुस्लिन एक बहुत ही फाइन, थिन एंड ट्रांसपेरेंट टेक्सटाइल हुआ करता था, जो दक्का के क्राफ्टमैन की स्किल्स की निशानी था और अल्टीमेटली ये पूरे वर्ल्ड में फेमस था। यूरोपियन सोसाइटी इस मुस्लिन की फ़ैन थी, ख़ास तौर पर ब्रिटिश पीपल। ये बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ करता था।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार औरंगज़ेब की बेटी ने ये पहना था, आप यकीन मानिए उन्होंने 7 परतें 7 बार लपेटा था, फिर भी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा थी कि औरंगज़ेब को आपत्ति हुई इस बात पर। और उन्होंने जब आपत्ति की तो उनको बताया गया कि मैंने 7 बार लपेटा है इसे, तो उन्होंने कारीगरों को पुरस्कार भी दिया फिर कि ये इतनी फाइन वैरायटी है, आप इतना बारीक इतना थिन कैसे बना लेते हैं, ये मुस्लिन की खासियत थी। तो मतलब हमारे देश में इस लेवल के क्राफ्टमैन एग्जिस्ट करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बर्नियर जब 17 सेंचुरी के शुरुआत की बात करता है तो उस समय के एनालिसिस से पता लगता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट है, कोई शक नहीं। 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एग्रीरियन ही है, वो एग्रीकल्चर में ही जुड़ी है। लेकिन फिर भी हमें कई तरह की क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर हम कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया करते थे, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी। वर्ल्ड लेवल पर हम मेटल एक्सपोर्ट किया करते थे, मेटल इंडस्ट्री भारत में एग्जिस्ट करती थी। पूरी दुनिया जानती है और टीपू सुल्तान की उस तलवार के बारे में जिसे वुड्स कहा जाता है, तो पूरी दुनिया जानती है। अंग्रेज उसके बारे में समझते रहे कि ये कौन सी मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने में ये लोग। हम वर्ल्ड लेवल पर फेमस थे प्रीशियस एंड जेम स्टोन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। वर्ल्ड लेवल पर हमारे आइवरी और आइवरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो इंडस्ट्री लेवल पर ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत मशहूर थी, हम इनका एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन टेक्सटाइल, मेटन मेटल, प्रीशियस एंड जेम स्टोन्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ सिल्क के प्रोडक्ट्स भी, सिल्क टेक्सटाइल भी हम किया करते थे। लेकिन ये सारा कुछ किस प्रोसेस के वाया होता था? इंडस्ट्री मेनली हैंडीक्राफ्ट थी, ये सब मैनुअली हाथों से हुआ करता था, और स्मॉल साइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप ऐसा मान लीजिए कि इंडिविजुअल क्राफ्टमैन या क्राफ्टमैन्स का ग्रुप मिलकर के ये चीज़ें प्रोड्यूस करता था, तो ज़्यादातर ये स्मॉल स्केल था, पर बहुत वाइड स्प्रेड था। स्मॉल स्केल येट वाइड स्प्रेड, येट वाइड स्प्रेड मतलब गांव-गांव में अलग अलग इलाकों में लोग प्रोडक्शन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, प्रोसेसिंग करते थे, छोटे छोटे स्तर पर लोग कर रहे थे, पर बहुत सारे लोग कर रहे थे। ओके तो एक बहुत वाइड स्प्रेड, एक विस्तार था पूरा का पूरा इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, एक बहुत बड़ा क्राफ्टमैन सेक्शन इंडिया में आर्टिजन्स का एग्जिस्ट कर रहा था। ओके ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है क्योंकि आगे जो बदलाव आएंगे उसमें हमें फिर इसे यूज़ करना है। तो एक तरह से कॉटेज नेचर की इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री। मुगलों के समय में कारखाने भी लगाए जाते थे, ऐसी बात नहीं है, उन कारखानों में भी इन क्राफ्टमैन को इंगेज किया जाता था, जो कारखाने शाही ज़रूरतों को पूरा किया करते थे, एरिस्टोक्रेटिक समाज की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे, तो ये चीज़ें थी। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंडिविजुअल लेवल पर या इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन्स के जो ग्रुप्स हुआ करते थे उनके लेवल पर, स्मॉल स्केल पर ही सही, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे इसलिए एक्सपोर्ट्स का दायरा हमारा बड़ा था, और बहुत हाई प्राइज्ड थे ये प्रोडक्ट ग्लोबली। इतने हाई प्राइज्ड थे ऐसा माना जाता था कि जो दक्का का मुस्लिन है और जो सेंट्रल इंडिया का क्या है चिन्स, और जो कैलिकोस का यानी कि कोची का जो केरल का कैलिकोस है हमारा, ये 3 तरह के कपड़े हुआ करते थे। ये पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस थे कि कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि दुनिया भर में गोल्ड कहीं भी प्रोड्यूस हो लेकिन उसे अल्टीमेटली ख़त्म भारत आके ही होना है। मतलब पूरी दुनिया में उस समय में एक्सचेंज का मीडियम गोल्ड था और इंडिया एक एक्सपोर्टर स्टेटस में था, एक्सपोर्ट सरप्लस रहता था बहुत, इसकी वजह से दुनिया में चाहे कहीं पर भी किसी ने सोना इकट्ठा किया है
कहीं पर भी सोना बना है, अंत उसकी लास्ट डेस्टिनेशन इंडिया ही होनी है, क्योंकि वो लोग जिन वस्तुओं पर निर्भर हैं वो वस्तुएं भारत से आती हैं और वो वस्तुएं दो चीज़ों को स्थापित करती हैं। पहला, जो मटेरियल यूज़ होता था इन चीज़ों की प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी मटेरियल होता था। सो ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलर इसलिए थी कि बहुत ही फाइन क्वालिटी मटेरियल यूटिलाइज होता था। सेकेंड आस्पेक्ट जो इनसे जुड़ा था वो था बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्राफ्टमैनशिप इसमें इन्वॉल्व होती थी। तो मटेरियल की क्वालिटी बहुत फाइन, द फाइनेस्ट क्वालिटी मटेरियल एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, इन दो चीज़ों के कारण हमारे प्रोडक्ट ग्लोबली बहुत पॉपुलर थे। इतनी बात समझ में आ गई। ये हैंडीक्राफ्ट नेचर का है, मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, स्मॉल स्केल पर इंडिविजुअल आर्टिजन्स यानी कि क्राफ्टमैन या क्राफ्टमैन के ग्रुप के लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो कोई बहुत मास स्केल प्रोडक्शन या बल्क प्रोडक्शंस नहीं हो रही हैं। इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। ये भारत में अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था। चीज़ें बदलेंगी, वो क्या होंगी? देखिए, ब्रिटिशर्स के वहाँ पर कई तरह की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई और उसकी वजह से उन्होंने जो कोल है उस कोल की मदद से स्टीम बनानी सीखी और स्टीम की मदद से पावर। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, कोल फॉर स्टीम, स्टीम फॉर पावर। तो स्टीम पावर जो उनके यहाँ पर उन्होंने विकसित कर ली, इस स्टीम पावर की मदद से ही उन्होंने रेलगाड़ी के इंजन चलाए, इनकी मदद से ही उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस शिप चलाए और इनकी मदद से ही उन्होंने मशीन्स चलाई, चाहे वो सिलाई की मशीनें हैं, चाहे बुनाई की मशीनें हैं, सब इन्हीं की मदद से चलाई उन्होंने, क्योंकि स्टीम पावर कर रही है, स्टीम ये सब कर सकती है। ये तो आज की डेट में बिजली आ गई है, वरना सोचिए आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी या तो कोयले की ज़रूरत पड़ेगी या फिर स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपके छोटे छोटे काम होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें चीज़ें घुमानी ही हैं। ये पंखा घूम ही रहा है और इस समय में ये पंखा घूम रहा है, कॉइल लगी है इसमें, मोटर है, मोटर की मदद से घूम रहा है, अदरवाइज़ ये फिर घूमेगा किसकी मदद से? वो जो पिस्टन्स, वो जो रिंग, वो जो क्रैंक लगे होते हैं, पर घूमना तो इसे आई है और वो घुमा लेंगे। रेलगाड़ी का इंजन कैसे घुमाते थे? बाहर वो क्या लगा रहता था? वो चलता था तो इंजन गोल गोल घूमता था, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें जब वहाँ पर विकसित हुई, उन्होंने स्टीम से पावर बनानी शुरू की, तो पावर बेस्ड मशीन्स ले आए। ओके, तो इसकी वजह से जो भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, यानी कि जो कपड़ा बुनने की मशीनें हैं, हैंडलूम्स थे, उन हैंडलूम्स को उन्होंने पावर लूम्स से बदल दिया। मतलब उन्होंने अपने वहाँ पर जो लूम्स हैं वो पावर बेस्ड कर ली, तो पावर लूम्स आ गई वहाँ पर। क्लियर? तो द सेकेंड आस्पेक्ट, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली तो वो आगे बढ़ ही रहे हैं, मशीन्स लगा रहे हैं और अब वो मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने अपने वहाँ पर खेती बाड़ी में भी ऐसा बदलाव किया था और अपने वहाँ पर जो क्राफ्टमैन का सेक्शन है उनके जीवन में भी ऐसा बदलाव लाए थे कि वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होनी शुरू हुई। और जब आप फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, टाइम बाउंड मैनर में, एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में प्रोडक्शन होती है, समय सीमा के तहत होती है और जैसे निर्देश मिले होते हैं सब लोग मिलकर के बिल्कुल उन्हीं निर्देश, उन्हीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत एक जैसी चीज़ ही बनती है और बहुत बड़े स्केल पे बनती है, मास स्केल पे बनती है, क्योंकि मशीन का जो फुल पोटेंशियल है, आपको वो फुल पोटेंशियल हार्नेस करना है, रियलाइज़ करना है, कैपिटलाइज करना है, अदरवाइज़ मशीन अंडर यूटिलाइज रह जाएगी। क्योंकि मशीन चलने के लिए जो ईंधन लग रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में जनरेटर चला रहे हैं और जनरेटर एक घंटे में एक लीटर डीजल पिएगा ही पिएगा, अब आप चाहे एसी चलाएं या ना चलाएं, तो अब आप क्या चाहेंगे कि अब एसी चला लो यार,
और एसी तीन चल सकते हैं तो आप क्या कहेंगे यार दो और चला लो यार, डीजल तो पीना ही पीना है ना, ऐसा ही करते हो ना आप, गाड़ी गड्डी तो जानी जानी, दो बंदे होर ले लो यात्रा करा देने, होता है ना ये। तो बिल्कुल वही हालात हैं इनके भी, हालात ये हैं कि पावर तो यूज़ हो ही रही है, उसके तहत जो पैसा लग रहा है वो लग ही रहा है, लेकिन उस मशीन की भूख मिटाना ज़रूरी है, उसमें जितने अमाउंट में थ्रेड आना ज़रूरी है उतने अमाउंट में थ्रेड आएगा, उसका जितना साइज़ है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उस थ्रेड से फिर जितना टेक्सटाइल बनना ज़रूरी है, जितना फैब्रिक बनना ज़रूरी है उतना बनाना पड़ेगा, उतने लोग लगाने पड़ेंगे, मतलब हमें उतने स्केल का प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो मास स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यूरोप में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे थे, जैसे कि ब्रिटेन में क्राफ्टमैन्स को ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, पावर के नए रिसोर्सेज ढूंढ लिए, फ्यूल का इस्तेमाल होने लगा और पावर बेस्ड मशीन्स लूम्स आई, पावर लूम्स एग्जिस्टेंस में आई, जो कम समय में स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में ज़्यादा बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से मास प्रोडक्शन जो कि मशीन बेस्ड थी, ये अचीव की ब्रिटेन ने और बाकी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इन्हें ही मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप्स कहते हैं। तो मास स्केल प्रोडक्शन विच इज़ मशीन बेस्ड, इट वॉज द अल्टीमेट आस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप आया ब्रिटेन में, उसके ये कुछ ज़रूरी लक्षण थे कि मशीन से प्रोडक्शन हो रही है, मास स्केल प्रोडक्शन हो रही है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रही है, एक जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है, और क्योंकि मास स्केल प्रोडक्शन है और बेटर ऑर्गेनाइज्ड है रिसोर्सेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, तो इसकी वजह से चीप है प्रोडक्ट, सस्ता है प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स अचीव कर पाए मास स्केल प्रोडक्शन की उन्होंने। ठीक है ना अरमान, सही कह रहा हूँ ना, जुड़ रही है ना बातें, जुड़ती लग रही है ना। तो मास स्केल प्रोडक्शन किया उन्होंने, मास स्केल प्रोडक्शन अचीव इसलिए हुआ मशीन बेस्ड प्रोडक्शन था ये। ओके, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड नेचर का था ये। और मास स्केल होने के कारण ही ये चीप भी था, चीप प्रोडक्शन था और स्टैंडर्डाइज्ड नेचर का था। तो इसी को इस वेनर में एक्सप्लेन किया गया है कि क्वालिटी भी थी एंड वैरायटी भी थी। तो ये सब चीज़ें हुई ब्रिटेन में। अब अल्टीमेटली ब्रिटेन को इतने मास स्केल प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कराने के लिए मार्केट्स भी चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट्स नहीं है मास स्केल प्रोडक्शन का कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि फिर वो इन्वेंट्री बन जाएगा और इन्वेंट्री तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए लॉस है। तो इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए उसे मार्केट चाहिए थी। जब आपको मार्केट चाहिए तो आप एक बड़ा बाज़ार भारत को मान रहे हैं, तो इंडिया को एक मार्केट के तौर पर देखा गया। अब एक चुनौती है यहाँ पे, चुनौती क्या है, इंडिया का जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस बनाता है, मटेरियल बहुत ही फाइन है और क्राफ्टमैनशिप बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मतलब क्वालिटी है चीज़ की, यूनिक है चीज़, तो उसकी मांग बहुत है भारत में भी और यूरोपियन बाज़ारों में भी और वर्ल्ड वाइड। तो यूरोपियन बाज़ार छीन लेना है भारतीय उद्योग से, ये एक टारगेट है, भारत का बाज़ार भी अपने प्रोडक्ट से फ्लड करना है, ये दूसरा टारगेट है, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी भारत से ले लेना है, ये तीसरा टारगेट है। तो ये टारगेट्स अंग्रेज़ों ने ले लिए। ये टारगेट अचीव करने के लिए कौन से सलीके या कौन से तरीके अपनाए, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो भारत में आने के बाद एक ख़ास तरह से उन्होंने प्रोसेस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनिशिएट किया। ओके, ये नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसे हालात बनाए गए कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ।
मतलब हमारी ऑलरेडी लगी हुई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ख़त्म की गई, मतलब किसी नेशन को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया, उल्टा वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उसकी उस इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया, उसे डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे अचीव हुआ इसको समझते हैं, ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहला जो एक तरीका अपनाया गया वो ये अपनाया गया कि ब्रिटिशर्स ने भारत आने के बाद भारत के छोटे छोटे जो रीजनल रूलर्स थे उनसे, क्योंकि मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पड़ चुका था और उसके सूबेदार गवर्नर अब इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर रह रहे थे, और इनसे और दूसरा मुग़ल एम्पायर भी कमज़ोर पड़ चुका है तो उससे भी, तो रीजनल रूलर्स और मुग़ल एम्पायर से ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशंस ली, द ड्यूटी फ्री ट्रेड। ओके, आई बात समझ में? ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब कि सालाना ड्यूटी पे कर देना बहुत कम अमाउंट, और फिर साल भर किसी तरह का कोई टैक्स कोई ड्यूटी नहीं पे करना, भारत में आराम से फ्रीली व्यापार करना, ट्रेड करना। ओके, कोई नाके, कोई टोल, कोई टैक्सेस, कोई इंपोर्ट ड्यूटी कुछ पे नहीं करना है, क्योंकि आपको पट्टा मिल चुका है, आपको करारनामा मिल चुका है, फरमान मिल चुका है, ऐसे शब्द हुआ करते थे। तो रीजनल रूलर से फरमान ले लेना, मुग़ल बादशाह से शाही फरमान ले लेना, ऐसे फरमान ले ले करके, अनुमतियां ले ले करके ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की उनको परमिशन मिल गई इंडिया में। इसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट, मशीन बेस्ड प्रोडक्ट ब्रिटेन से भारत आ रहा है, अब उस पर ड्यूटी नहीं लग रही है, तो इस वजह से नेचुरली उसकी कीमत डाउन हो जाएगी। पहली बात, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड की वजह से कॉस्ट लोअर हुई ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट की, लेकिन साइमल्टेनियसली इंडियन ट्रेडर को, जो इंडियन ट्रेडर है उसको ये ड्यूटी फ्री ट्रेड ऑफर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रीजनल रूलर्स और जो बादशाह है, एम्पायर है मुग़लों का, वो भारतीय व्यापारी को ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ऐसा करते रहे तो फिर उनके तो खजाने खाली हो जाएंगे, शासन कैसे चलेगा। तो नो ड्यूटी फ्री कह रहा था, नो ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर इंडियन ट्रेडर्स। इतनी बात समझ में आई? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्लियर? तो अब इंडिया में हो क्या रहा है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जब वो बाजार में निकल रहा है, व्यापारी ही ना प्रोडक्ट को बेचता है भाई, प्रोड्यूसर तो ना ले लेके कहीं जा रहा है, ट्रेडर ही करता है, दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, द ट्रेडर। तो जब इंडियन ट्रेडर प्रोडक्ट लेकर के निकल रहा है उस पर ड्यूटी लग रही है, इसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो एस्केलेट कर रही है, किसके रिलेटिव, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये उतना मास स्केल प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन इंडिविजुअल स्केल पर होता है, कम प्रोडक्शन होता है, इसकी अपना एक खर्चा है। लेकिन जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट आ रहा है ऑलरेडी मास प्रोड्यूस्ड है, चीपर प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर जो भारतीय बाज़ारों में भारतीय राजाओं के द्वारा भारतीय उद्योग को और व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए जो ड्यूटीज़ लगानी थी, वो ड्यूटीज़ तो ऑलरेडी आपने एग्जम्प्ट करा ली है। ओके, तो इस एग्जम्पशन के कारण उनका जो प्रोडक्ट भारत में आ रहा है या वो ला रहे हैं, वो उसे आराम से ड्यूटी फ्री मैनर में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कॉस्ट, इस कॉस्ट उनके कॉस्ट के मुकाबले ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा है। ये एक सेटबैक है, क्लियर? दूसरा सेटबैक, भारत का प्रोडक्ट जब विदेश जा रहा है तो उस पर बहुत हैवी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो जब वहाँ से प्रोडक्ट इंडिया आ रहा है उस पर ड्यूटीज़ नहीं लग रही हैं। पहले भारतीय राजाओं से कई फरमान हासिल किए, भारतीय बादशाह से, फिर धीरे धीरे तो इनका खुद का ही शासन हो गया, और अपने शासन काल में भी वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम फॉलो किया गया। इज़ अ वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम।
आई बात समझ में? और इस वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम के तहत भारतीय बाजार तो भारतीय क्राफ्टमैन से ले ही लिया गया है, क्योंकि भारत में ड्यूटी फ्री मैनर में मशीन बेस्ड मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स चीपर रेट्स पे मार्केट एक्सेस कर रही हैं, लेकिन भारतीय ही व्यापारी को यहाँ पे ड्यूटीज़ लग रही हैं। दूसरा, उसी भारतीय व्यापारी को ब्रिटेन में एंटर होते समय अपनी गुड्स पे हैवी ड्यूटीज़ देनी पड़ रही हैं, तो ब्रिटेन की मार्केट भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी यही किया तो वहाँ की मार्केट भी एक्सेस नहीं हो पा रही। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़, ब्रिटेन ने और कई मुल्कों ने खास कानून पास करके भारत के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क में बैन कर दिया। जैसे भारत का जो मसलिन है उसे बैन किया गया क्योंकि वहाँ से गोल्ड और सिल्वर ड्रेन हो रहा था, तो स्पेशलाइज्ड मैनर में डेडिकेटेड बैन लगाए गए इंडियन प्रोडक्ट्स पर। इसकी वजह से सेटबैक हुआ हमारी इंडस्ट्री। तो एक तो ड्यूटी वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम फॉलो करना, ड्यूटी फ्री फरमान हासिल हो जाना, लीगल बैन्स लगाना, कानून पास कर कर करके बैन लगाना, ये एक लेवल पर चीज़ें हैं। आगे देखो, जो प्रोड्यूसर है वो इस चीज़ पर खड़ा रहता है कि उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होता रहे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भारत में ये स्थापित हो गए और इन्होंने जब रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी अपनाई, वो रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी इस नेचर की थी कि इन्होंने ओवरऑल सारा एग्रीकल्चर सिस्टम कंट्रोल किया। वो इनका एजेंडा था कि उस एग्रीकल्चर सिस्टम को कंट्रोल करना है। एग्रीकल्चर सिस्टम कंट्रोल होने के कारण ये हुआ कि जो भारत के बाज़ार हैं, भारत से जो भी कपास पैदा होगा, पहले तो ब्रिटिशर्स ये प्रयास किया करते थे एजेंट सिस्टम के वाया कि वो कॉटन प्रकोर कर लिया जाए खुद के लिए, और वो कॉटन एक्सेस में ना रहे जो भारतीय उद्योग धंधों को धागा देने वाले लोग हैं उनके, क्योंकि धागा भी ब्रिटेन में बन रहा है यार्न, और वो भी भारत में वहाँ पे बना हुआ ही खपे, तो जो यार्न वहाँ बन रहा है वही यार्न यहाँ पर कंज्यूम किया जाए। फर्स्ट, सेकंड, जो यहाँ पर कॉटन उग रहा है सस्ती कीमत पर, भारत में यार्न मैन्युफैक्चर को या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर को हासिल हो सकता है ये कॉटन, इनको एक्सेस ना हो सस्ती कीमतों पर। इस कॉटन को हम अपने लिए एक्सेस करेंगे, जिस कॉटन को एक्सेस करके हम सस्ता यार्न बनाएंगे ब्रिटेन में, और वहाँ से हम उसी महंगे यार्न को इनको बेचेंगे। तो कॉटन इनका हम लेंगे फ्री फंड में, और वो कॉटन यहाँ से जाएगा ब्रिटेन, और वहाँ से उस कॉटन से बनेगा यार्न, और इन्हें मजबूर करेंगे कि ये महंगे यार्न से बनाओ अपने कपड़े, और वहाँ पर हमारा वो कॉटन का यार्न हमें सस्ता पड़ेगा, उस सस्ते यार्न को बल्क में परचेज़ करेंगे और सस्ता पड़ेगा, और उससे बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो जो फैब्रिक है, टेक्सटाइल है, वो और सस्ता होगा। तो जो भारतीय प्रोड्यूसर है उसके जो बेसिक रॉ मटेरियल हैं उस पे एक्सेस डिनाई किया गया, और वो उसे बहुत ही डियरर अमाउंट्स पर एक्सेस दिया गया। इसकी वजह से भी वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह गया कि वो मार्केट में कम्पीट कर पाए इनसे। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं, इसे भी झेल लेता भारतीय प्रोड्यूसर, लेकिन समस्याएं और बड़ी हुई। वो कैसे हुई? भारतीय प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता था उसको कंज्यूम बड़े स्तर पर जो पहले का एक सोशल सेगमेंट है वो कंज्यूम करता था। वो सोशल सेगमेंट राजघरानों से जुड़ा है, अधिकारी गण है, वो बड़े बड़े व्यापारी गण हैं, और वो एरिस्टोक्रेटिक कम्युनिटी है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद वह सारा वर्ग वैनिश हुआ। ब्रिटिशर्स ने आने के बाद बड़े बड़े राजघरानों को ख़त्म किया, बड़ी बड़ी पोजीशंस ख़त्म की, एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म किया, और नए तरह के सेगमेंट्स को जन्म दिया। एक न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास पैदा हुआ जो उस समय का इंग्लिश एलीट सेक्शन बोला गया है, जो अंग्रेज़ों की तरह
पहनता है, उनकी तरह खाता है, वो लैंग्वेज सीखता है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पहनने को लेके, घर को लेकर के, सैर सपाटे घूमने फिरने को लेकर के उनके जैसे, और जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अब तक का जो एक बाय एंड लार्ज भारत में मुस्लिम कल्चर है या फिर जहाँ पर जो हिंदू कल्चर है उससे नहीं मिलता। आर्किटेक्चर का स्टाइल बदल गया, पहनावे बदल गए, बड़े बड़े भव्य नगर महल सब बदल गए, चीज़ें चेंज हो गई। तो जो कम्युनिटी अब तक इन्हें सर्व कर रही थी वो बदल गया। जैसे उदाहरण के तौर पर दिन की कई पोशाकें तो अकबर ही बदला करता था, और हर पोशाक पर कई तरह के जेम्स प्रीशियस स्टोन्स जड़े होते थे, चांदी से, सोने से, तिल्ले से वर्क होता था तारों का, वो बनाने वाले लोगों को रोज़गार मिलता था। फिर इसी तरह से छोटे जर्नैल भी ये किया करते थे, सूबेदार भी ये करते थे, पूरी हायरार्की एरिस्टोक्रेसी ये सब कंज्यूम करती थी। वैसे ही थालियाँ, चम्मच, वैसे ही भवन, वैसा ही रहना सहना, जूतियाँ चप्पल सब वैसा ही। लेकिन अब जो आए हैं पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं, कोट पहनते हैं, और वो बिल्कुल पैंट एकदम वाइट, एकदम शर्ट वाइट, कोट एकदम वेलवेट का प्लेन, इतना कोई जड़ा हुआ गला बंद कुछ नहीं, जूते पहनते हैं लेदर के, चुप कर गए। और जो पुराना कारीगर है वो बैठा है, वो कह रहा है ये क्या बना, कहाँ से आ रहा है, कहते ये तो शर्ट है, वो मशीन में ही बन रही है, पेंट भी वहीं बन रही है, कोट भी बस टेलर इनका सिल दे रहा है। तो जो नया वर्ग अस्तित्व में आया वो नया वर्ग बाज़ार में ऐसी मांगे कर रहा था जो मांगे भारतीय क्राफ्टमैन के प्रोडक्ट से पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन उन मांगों की पूर्ति जो ब्रिटिश मॉडर्न इंडस्ट्री में मास स्केल पर प्रोड्यूस्ड चीपर प्रोडक्ट्स हैं वो कर सकते थे। इस चीज़ ने भी इम्पोर्ट को और बूस्ट किया, तो इसलिए भी हमारी मार्केट्स उन प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट से फ्लड हो गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो ये एक नुकसान पे है तो कि वो जमात ख़त्म हो गई, तो उस जमात के लिए बनाने वाले लोग भी धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए। अगली बड़ी कहानी देखिए, देखिए होता ये था कि भारतीय ग्रामीण समाज प्रॉस्पेरस रहेगा तो ओवरऑल पूरी की पूरी इकॉनमी प्रॉस्पेरस रहेगी। ब्रिटिशर्स की एग्रीकल्चर में अपनाई गई पॉलिसियों का एक नतीजा ये आया, ध्यान से समझना, ब्रिटिशर्स की एग्रीकल्चर के द्वारा अपनाई गई पॉलिसी का नतीजा ये आया कि एग्रीकल्चर नॉन रेम्यूनरेटिव हो गया बड़े स्केल पर। तो नॉन रेम्यूनरेटिव हो जाने का मतलब ये है कि लोगों के पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वैसे भी नहीं है और एग्रीकल्चर भी अब रेम्यूनरेटिव नहीं रहा। इसका मतलब एक बहुत बड़े स्तर की डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में हुई, आई बात समझ में? और वह समाज कंज्यूम करने की डिमांड नहीं पैदा कर सकता, और ये आर्टिजन जो प्रोड्यूस कर रहा है वह इसे अगर कंज्यूम करता था तो इस आर्टिजन को उस कंज्यूमर बेस से अब डिमांड नहीं आ रही है। उल्टा जब ये आर्टिजन्स और ये इंडस्ट्रियल सेटअप जब कमज़ोर पड़ा, ख़राब हुआ, डीइंडस्ट्रियलाइज हुआ, इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है और इन्हें भी खेतों ही पे जाना है, तो खेतों पर बर्डन और ज़्यादा बढ़ा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा, ग्रामीण हालात और पिछड़े, इसे और सेटबैक लगा इंडियन प्रोड्यूसर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, आई बात समझ में? तो कुल मिला, और इसके अलावा इसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई गई बायस्ड पॉलिसीज, वो चाहे लोन देने को लेकर के ज़्यादा ब्याज लागू करना, वो चाहे रेलवे और रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन सिर्फ उन इलाकों में जहाँ से या तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, उन डीप फॉरेस्ट एरियाज़, डीप माइनिंग एरियाज़ को कनेक्ट करना बंदरगाहों के साथ, और या फिर उन इलाकों में जहाँ पर उन्हें आर्मी मूव करनी है, और या फिर उन इलाकों में जहाँ पर उन्हें पोर्ट्स पे उतरा हुआ सामान बाज़ारों तक ले जाना है। तो रिसोर्स रिच एरिया को बंदरगाहों से जोड़ना, बंदरगाहों पे उतरे फिनिश्ड प्रोडक्ट को बाज़ारों से जोड़ना, और सेनाओं की मूवमेंट, इन चीज़ों के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं हो रहा, क्योंकि राउंड द ईयर सर्व करने वाली मेटालिक रोड्स जो गाँवों को गाँवों से जोड़ती हैं, गाँवों को छोटे बाज़ारों से जोड़ती हैं, वो नहीं बनाई गई। इसकी वजह से जो प्रगति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आनी थी वो नहीं आई, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट उनको नहीं मिला,
उल्टा इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो बची खुची बाज़ार थे हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चर के पास, मैच्योर मैन्युफैक्चरर के पास, वो भी ले लिए, क्योंकि जहाँ तक अभी कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाया था रेलवे ने वहाँ भी पेनिट्रेट किया। तो रेलवे ने बहुत अंदरूनी बाज़ारों में मार की, उन अंदरूनी बाज़ारों में अभी तक शेयर लोकल मैन्युफैक्चरर का था, क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट वहाँ नहीं पहुँचता था ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ पेनिट्रेशन। तो लोकल मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स ही लोगों के पास ऑप्शन थी, लेकिन अब जब वहाँ तक ब्रिटिश प्रोडक्ट मार कर रहा है और ऐसे में आर्थिक बदहाली है, तो व्यक्ति सस्ता प्रोडक्ट ही ना चाहेगा, वो किसी भी तरह से किस चीज़ की मांग करेगा, चीपर प्रोडक्ट्स जो उन्हें मिल रहे हैं। और इनके प्रोडक्ट्स के मशीन बेस्ड होते थे, और इस समय तक केमिकल्स का एक सर्टेन लेवल पे यूज़ होने लगा था, कपड़े में स्ट्रेंथ भी बहुत होती थी, लंबा चलता था, क्योंकि देखिए आप फाइन फैब्रिक बनाते हैं जब आप मशीन पे बनाते हैं, है ना, जब आप हाथ से बनाते हैं तो खद्दर बनती है, हैंडलूम जब आप हाथ से बना रहे हैं चीज़ें तो एक एक धागा जब आप जोड़ते हैं उनमें वॉइड स्पेसेस ज़्यादा रह जाते हैं। खादी किसे कहते हैं, खद्दर यही होती है, और वही धागा मशीनों पे जब बनाया जाता है कैसे क्लोज क्लोज दिख रहा है, बहुत फाइन चल रहा है, देखो लाइनें दिख रही लंबी लंबी, पर बहुत जूम करके देखो थ्रेड काउंट बहुत ज़्यादा है, एक इंच एरिया में बहुत ज़्यादा है, उसमें कम होता है। तो लोग देख रहे हैं कि ड्यूरेबल भी है भाई, सस्ता भी पड़ रहा है, और हमारी तो हालात तबाह हुए पड़े हैं, तन ढकने के लिए ले लो यही, तो वो प्रेफर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अंदरूनी बाज़ार भी हमारे मैन्युफैक्चरर के हाथों चले गए, लुट गया है, मतलब शाही बाज़ार चले गए, शाही घराने चले गए, शाही शौक रबाब चले गए, अंदरूनी बाज़ार चले गए, भारतीय व्यापारी ड्यूटियां भर भर के बर्बाद हो गया, भारत के बाज़ार चले गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक झूम मची थी, एक धूम मची थी एक्सपोर्ट ड्यूटियों के नाम पर महंगे हो जाने के कारण, वो बाज़ार भी चले गए, और वहाँ के लोगों को अंदर राष्ट्रवाद जगाया गया कि अपने प्रोडक्ट को प्रेफर करो, अपना सोना बचाओ, अपनी चांदी बचाओ, तो कानून ला ला करके इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया, बाज़ार और चले गए। और फिर जब धीरे धीरे मशीन प्रोडक्ट्स ने भी और क्वालिटी और इनोवेशन करनी शुरू की, तो वहाँ के लोगों में भी फिर इन कपड़ों का क्रेज़ चला गया, और इस वजह से भी और बाज़ार चले गए। ऐसे में जो लोकल छोटी मोटी मांग जो लोग ग्रामीण समाज करता था, खेती बाड़ी बदहाली के कारण उन लोगों के हालात ऐसे हो गए कि दो वक्त का खाना मुश्किल हो गया, उनकी मांग चली गई। धीरे धीरे आर्टिजन इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही हैं, इनकी भी ज़मीन पर ही निर्भरता, ग्रामीण समाज और पिछड़ रहा है, आर्थिक हालात और पिछड़ गए, जो मांग बन सकती थी वो भी चली गई, सब चला ही तो जा रहा है, आर्टिजन करे तो करेगा, और उसके ऊपर सख्त नीतियाँ, भारी लगान, भारी ड्यूटियाँ, भारी ऋण महंगा, सुरक्षा नहीं देना, और रॉ मटेरियल जो एक्सेस होना है वो तो या तो डिनाई करना, और अगर होना तो हालात ऐसे बनाने की एक्सेस ना कर पाना, इतना महंगा होना। इन सभी हालातों ने एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज लेकर के आया, उद्योग तबाह हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और दुनिया भर में ये वो दौर था जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मॉडर्न मशीन इंडस्ट्री रिप्लेस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि क्या केवल सर ये भारत में ही हुआ, विश्व में हो, भारत में ये कॉलोनाइज्ड इकोनॉमी के तहत कराया गया है, बट नेचुरली भी सोसाइटी में ये होता है, क्योंकि जब मशीन बेस्ड इंडस्ट्री आएगी तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चाहेगी, लेकिन इतना ओवरवेलमिंग साइज ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उतना ही ओवरवेलमिंग साइज ऑफ मशीन बेस्ड इंडस्ट्री रिप्लेस करेगी। ये ग्लोबली तो हुआ, भारत में नहीं हुआ, कॉलोनाइज्ड इकोनॉमी। तो अंग्रेज़ों ने अपने मुल्कों में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मशीन बेस्ड इंडस्ट्री से रिप्लेस किया और दुनिया भर की मार्केट को कैप्चर किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इंडिया को बतौर कॉलोनी डेवलप किया अपने वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपनी मदर कंट्री को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए इकोनॉमी वाइज, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री से रिप्लेस नहीं किया, और दुनिया को ये पट्टी पढ़ाई कि अंडर इंटेंस कॉम्पिटिशन, अंडर द मास स्केल प्रोडक्शन, अंडर द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, अंडर द चीप रेट्स एंड द वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस, ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाई। तो थ्योरियाँ जो कैम्ब्रिज स्कूल
अपनी थ्योरी पढ़ाता है कॉलोनियलिज्म की, उसमें उसने ये थ्योरी पढ़ाई है दुनिया को कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये नेचुरली होता है कि आप कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आपको जाना ही था। तो जाना तो था, तो आना क्या था फिर? वो तो आया नहीं, तो वो नहीं आया। इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये हुआ, शुरुआत तो इसी से चली है भाई, ऐसा ही हो रहा था। ओके, अब ठंडे होके बैठ गए सारे, बर्बादी है, लेकिन अब कुछ होगा। अब 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में धीरे धीरे कुछ लोग संगठित होंगे, कुछ परिवार आगे आएंगे, अब तक अंग्रेजों के साथ जुड़े हुई सेवाओं के कारण या मुगलों के साथ जुड़ी हुई सेवाओं के कारण या हज़ारों वर्ष से, हज़ार 1500 सालों से व्यापारिक कम्युनिटी के रूप में अनुभव और पैसा जुड़ने के कारण कुछ कम्युनिटी के पास फंड्स हैं, इनोवेशंस भी हैं, नॉलेज भी है। तो जैसे ही 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ शुरू होगा, ये लोग कुछ मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करेंगे। वेस्ट इंडिया में ये जो इंडस्ट्रीज लगेंगी, इनको कहेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो कॉटन टेक्सटाइल मिलने लगेंगी वेस्ट इंडिया में, कहां? गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ईस्ट इंडिया में जूट टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री लगेगी। तो कॉटन टेक्सटाइल जो वेस्ट इंडिया में लगेगी, ये इंडियन ऑनरशिप की होंगी। और ईस्ट इंडिया में, यानी कि बंगाल के इलाके में, उड़ीसा के इलाके में, बांग्लादेश आज का जो है वहाँ पर, जो जूट की इंडस्ट्री लगेंगी वो यूरोपियन ऑनरशिप में होंगी। तो भारत में इन दो क्षेत्रों में कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल स्थापित होना शुरू हो गया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, आफ्टर द 1850। और इन्होंने ठीक ठाक लेवल पर ग्रोथ भी की है। तो भारतीयों की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में ठीक ठाक ग्रोथ की है। इतना समझ में आ गया? इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होगी आगे जा करके। 20th सेंचुरी के शुरुआत में मेटल इंडस्ट्री लार्ज स्केल पर लगेगी, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में इनकॉर्पोरेट होगी, बनेगी, और टिस्को फिर प्रोडक्शन करना शुरू करेगी। तो इस तरह से जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ये 1907 से, यानी कि 20th सेंचुरी के आरंभ से लगनी शुरू हो जाएंगी।